नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से आतंकियों के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह का शर्मनाक बयान आतंकवादियों को लेकर आया है। और उन्होंने बयान देते हुए दरअसल साफ तौर पर यह कहा है कि चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं देश में मुसलमानों के साथ जुल्म करना शुरू हो जाता है। तो वहीं बीजेपी ने अमानतुल्लाह के इस बयान के बाद उन्हें आईना दिखाने का काम किया। तो इसके अलावा आतंकवादियों को लेकर समाजवादी पार्टी की भी मानसिकता, उसका भी असली चेहरा सबके सामने आया है। जी हां, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की आतंकवादियों को पैरवी करने की वानगी सामने आई है। जो अमानतुल्लाह लगातार दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों को बसाने का काम करते हैं, वो अब किस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई दिल्ली में अलग दिल्ली के साथ अलग अलग राज्यों में की गई है, जो 6 आतंकवादी दिल्ली में पकड़े गए हैं उसको लेकर उन्होंने शर्मनाक बयान दिया है। और बयान देते हुए साफ तौर पर उन्होंने यह कहा है कि चुनावी मौसम में देश के मुसलमानों पर जुल्म करने का काम तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और बड़ी बड़ी एजेंसियां करती हैं। जी हां, आपको बताएं कि अमानतुल्लाह खान ने दरअसल उन आतंकवादियों की पैरवी करने का काम किया है जो पूरे अलग अलग देश के राज्यों में 26/11 जैसी घटनाओं को दोबारा से दोहराने के साजिश कर रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से 6 आतंकवादी अलग अलग राज्यों से दिल्ली पुलिस सहित तमाम पुलिस की टीमों ने पकड़े हैं, उन आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में अलग अलग तरह के आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। और साफ तौर पर यह भी खुलासा सामने आया है कि ये आतंकवादी अब त्योहारों के ठीक पहले अलग अलग जगह आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में थे। जी हां, और उसी को नाकाम करते हुए साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। तो अब हर बार की तरह आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षी नेताओं की बौखलाहट भी सामने आने लगी है। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि आप अमानतुल्लाह जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनका शर्मनाक बयान कुछ इस तरीके का आया है। उन्होंने दरअसल बयान देते हुए यह कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं देश के मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता जाता है, आतंकवाद के नाम पर बेकसूरों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर परेशान करने का खेल अब शुरू हो गया है और आगे ना जाने कितने लोगों पर मुकदमे ठोके जाएंगे, अल्लाह उन तमाम लोगों की हिफाजत करे। जी हां, आप देखिए कि ये वही अमानतुल्लाह खान हैं जो लगातार किस तरीके से CAA और NRC को लेकर जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें बिरयानी से लेकर कैसे तमाम मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने का काम उस दौरान में किया जा रहा था। और अब जब लगातार आतंकी गतिविधियों पर केंद्र सरकार की नजरें बनी हुई हैं, दिल्ली पुलिस लगातार इस बात को लेकर गंभीरता से इस पर काम कर रही है कि किसी भी तरीके से देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। तो अब ऐसे में साफ तौर पर अमानतुल्लाह खान एक विशेष धर्म को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक विशेष धर्म का जिक्र कर मोदी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने का हालांकि काम कर रहे हो, लेकिन अब इसको लेकर बीजेपी की ओर से भी साफ तौर पर कड़ा आईना दिखाने का काम अमानतुल्लाह को किया गया है। और इसी कड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ करने को कहा गया है। और जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान ने एक विशेष समुदाय के जाति के लोगों को इस पूरे आतंकवाद से जोड़कर उसे बदनाम करने का काम किया है, जो जातिवाद का कार्ड खेलने की कोशिश अमानतुल्लाह दिल्ली में लगातार कर रहे हैं, इस पर अपनी जवाबदेही करने को लेकर बीजेपी ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल से मांग की है। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता हरीश खुराना ने साफ तौर पर अपना बयान देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए यह कहा है कि आतंकवाद कब से हिंदू मुस्लिम होने लगा है, आतंकवाद तो आतंकवाद होता है। उन्होंने अमानतुल्लाह खान से भी सवाल पूछा और यह कहा है कि तुम और तुम्हारे बॉस को आकर इतनी मिर्ची क्यों लगती है, जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है क्या तुम इस खान से सहमत हो जिसको मिर्ची लग रही है इन लोगों के पकड़े जाने पर। जी हां, और इसके अलावा उन्होंने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि अब अल्लाह इन लोगों की हिफाजत करे। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से अब अलग अलग जगह से 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं, क्या इनकी मंशा थी, ये अब सबके सामने बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं कि किस तरीके से 2 आतंकवादी जो इसमें नाम सामने आए हैं, ओसामा और दिशान कवर, जो पाकिस्तान से लगातार ट्रेनिंग लेने का काम कर रहे थे और इन आतंकवादियों के अंडरवर्ल्ड से भी बड़े संबंध बताए जा रहे थे, और अब क्योंकि भारत में अलग अलग राज्यों में
हालांकि चुनाव भी होने वाले हैं और लगातार त्योहारी सीजन अब करीब है, तो ऐसे में अब अलग अलग राज्यों में पूरे देश को दहलाने की साजिश ये आतंकवादी कर रहे थे, लेकिन अब इन्हीं आतंकवादी की पैरवी करने का काम ये आम आदमी पार्टी के नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई अब साफ तौर पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो पाकिस्तान की आड़ में नवरात्रि, दशहरा और दिवाली को दहलाने की साजिश कर रहे थे, आखिर क्यों उन दहशतगर्दी, आखिर क्यों आतंकवादियों का समर्थन आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। इस पर सवाल उठाने की बजाय आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने की बजाय आखिर क्यों अमानतुल्ला खान से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता इसका समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यह वाकई बड़ा सवाल है। लेकिन अब साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की यहां पर जवाबदेही बनती है कि आखिर अरविंद केजरीवाल आखिर अब तक चुप क्यों है, जो लगातार हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करने का काम आम आदमी पार्टी के नेता अक्सर करते दिखाई पड़ते हैं। आखिर इस पर अब क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल कोई बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि इसको लेकर साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं, उसको भी आईना दिखाने का काम बीजेपी के नेताओं की ओर से किया गया है। इसी कड़ी में साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता राशिद अलवी ने अब साफ तौर पर आतंकवादियों के पकड़े जाने पर सवाल खड़े किए हैं, तो इसको लेकर अब हरीश खुराना ने उनको भी आईना दिखाने का काम किया है और एक और अपने ट्वीट में साफ तौर पर ये सवाल खड़े करते हुए नेताओं को आईना दिखाया है और ये कहा है कि पहले अमानतुल्ला खां और साफ तौर पर अब कांग्रेस के राशिद अलवी ने पकड़े गए आतंकवादी के मुद्दे पर मुस्लिम कार्ड और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को आखिर इतनी मिर्ची क्यों लगती है जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है। ये एक सीरियस सवाल देश के सामने है, जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले कई लंबे समय से अलग अलग राज्यों से, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी जो अभी हाल ही में एटीएस ने प्रयागराज से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है पहली बार, यह भी वाकई बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। और इसके पहले हालांकि लगातार किस तरीके से लखनऊ से भी अलकायदा के अलग अलग आतंकवादी के सरगना के मेंबर को पकड़ा था, और उसके पहले भी लगातार तमाम ऐसी खबरें हम आए दिन सुनते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में ये आतंकवादी अपने पैर पसारने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि लगातार योगी सरकार की पुलिस उन तमाम आतंकवादियों पर शिकंजा कसने में लगी हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरीके से इन आतंकवादी को संरक्षण देने का काम करते हैं, इन आतंकवादी की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हैं, ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि समाजवादी पार्टी के नेता आखिर क्यों बार बार इन देशद्रोहियों का साथ देने का काम करते हैं, आखिर क्या इनसे इनका कनेक्शन है। हालांकि इसको भी लेकर लगातार लोग प्रदेश की जनता से लेकर देश की जनता जांच की मांग करती है, क्योंकि अभी हाल ही में जब लखनऊ से अलकायदा के दो आतंकवादी पकड़े गए थे तो उस दौरान भी अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल निशान खड़े करते हुए साफ तौर पर बयान देते हुए कहा था कि उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है और ना ही उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी सरकार पर कोई भरोसा है। और अब उन्हीं की तर्ज पर लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी आतंकी मानसिकता साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से एक और अमानतुल्ला खान ने दिल्ली पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई पर सवाल खड़े किए, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के सांसद टी हसन ने भी इस पर अपनी जिहादी मानसिकता को प्रस्तुत करने का काम किया है और अपनी आतंकवादी मानसिकता को दिखाते हुए अब ये जो आतंकवादी पकड़े गए हैं इनके इन पर सवाल निशान खड़ा करते हुए बयान देते हुए यह कहा है कि ऐसा ना हो कि जो आतंकवादी पकड़े गए हैं 15-20 साल तक अपनी जेल में सजा काटे और 15 साल बाद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए, इसलिए इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। हालांकि इसके अलावा उन्होंने एक और बयान देते हुए यह कहा है कि मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी और उसके नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव रहे हैं, ये बात अच्छी तरीके से मुसलमान जानते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो मुसलमानों के साथ इंसाफ होता है और उनको बराबरी का हक मिलता है और इसीलिए सपा को मुसलमानों को रिझाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल ये शब्द है टी हसन के, जो लगातार एक के बाद एक अपनी जिहादी मानसिकता को कई बार उत्तर प्रदेश में दिखा चुके हैं। इसके पहले भी तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई कि कैसे समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेता कैसे अपनी तालिबानी सोच को बार बार दिखा चुके हैं, और अब जब साफ तौर पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को लगातार दिल्ली की पुलिस से लेकर यूपी की पुलिस अलग अलग जगह पर छापे मारे
लेकर इन्हें गिरफ्तार करने का काम कर रही है। तो लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को मिर्ची लगने शुरू हो गई है और इसीलिए अब लगातार दिल्ली पुलिस की इस बड़े कार्रवाई पर हमारे निशान लगातार नेता खड़े करते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की घटनाओं पर इन तमाम नेताओं की ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आई हो। इसके पहले भी कई बार हमने तमाम रिपोर्ट्स देखी है जिसमें आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किस तरीके से इन आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम किया है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जब साफ तौर पर मोदी सरकार की ओर से एक के बाद एक बड़े ताबड़तोड़ एक्शन इन आतंकवादियों पर लिए जा रहे हैं, तो इन नेताओं की बौखलाहट, इनकी छटपटाहट और इनकी तिलमिलाहट साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।